पीपल, वेलकम टू माई चैनल लाइफ इज प्रिटी विथ प्रीति। सो आज मैं अपना फर्स्ट वीडियो शूट कर रही हूँ यूट्यूब के लिए। तो आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही सिंपल और बहुत अमेजिंग सी रेसिपी शेयर करूँगी जो मैंने बहुत ज़्यादा खाया है। चटपटा सा है, बिल्कुल टेस्टी, और इस ये आप अपने डाइट के साथ साथ खा सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग, बहुत सिंपल और बहुत बहुत ही क्विकली बन जाता है और आप सब इसको बहुत इंजॉय करेंगे आई एम श्योर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ हमें इंग्रेडिएंट में चाहिए होंगे कुछ सीजनल वेजिटेबल्स, आपको जो पसंद वो आप ले सकते हो। फिर हमने लिए हैं यहाँ काली मिर्च, ब्लैक पेपर, फिर मैंने लिया है सॉल्ट, ये मैंने ब्लैक सॉल्ट का यूज़ किया है। यहाँ हम यूज़ करेंगे कुछ नट्स और सीड्स जो रोस्टेड है। फिर ये दही, दही बिल्कुल ऑप्शनल है, पीसीओडी अगर है आपको तो आप स्किप कर दें। फिर मैंने लिए है हरे मटर और हरा मूंग, इस वक्त सीज़न में बहुत अच्छे मिलते हैं। मैंने लिए घर की बनी हुई इमली और गुड़ की चटनी, और फिर मैंने यहाँ लिया है सॉफ्ट बॉयल किए हुए चने। तो आइए फिर अपने रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और टेस्टी टेस्टी कुछ बनाते हैं। तो मैंने जो ये बॉयल्ड चने लिए हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं है, इसे मैंने प्रेशर कुक किया है बिल्कुल 2 से 3 मिनट के लिए। बिल्कुल सॉफ्ट बॉयल करना है हमें। मैं आपको दिखाती हूँ, ये बहुत ज़्यादा पके हुए नहीं हैं और बिल्कुल कच्चे भी नहीं हैं, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट बॉयल्ड है। तो यहाँ जो मैंने यूज़ किया है, उसके बाद हम इसमें मिक्स करेंगे अपने हरे मटर और हरा मूंग। ये विंटर्स में बहुत अच्छे मिलते हैं, हमें बहुत खाना चाहिए, अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। इसमें प्रोटीन होता है और ये हमारे फैट लॉस में भी हेल्प करता है। तो अब हम इसमें इसे मिक्स कर देंगे। फिर मैं इसमें अपनी सब्जियों को मिक्स करूंगी। मैंने इसमें एक टमाटर लिया है, इसे मैं मिक्स कर दूंगी। फिर मैं मिक्स करूंगी अपनी गाजर। ये जो विंटर्स के वेजिटेबल्स होते हैं ना, वो बहुत हेल्दी, बहुत कलरफुल होते हैं। हमें हमेशा डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स को ऐड करना चाहिए, सब्जियों को कच्चा खाना चाहिए। फिर मैं इसे ऐड कर दूंगी प्याज, हरी मिर्च, और फिर इसे मिक्स करूंगी। और फिर इसमें मिक्स करूंगी धनिया के पत्ते बिल्कुल फ्रेश। तो अब मैंने सारी वेजिटेबल्स को मिक्स कर दिया है। फिर मैं इसमें मसाले मिक्स करूंगी, ये ब्लैक पेपर, आप अपने टेस्ट के हिसाब से आपको जो मसाले पसंद हो आप डाल सकते हो। फिर मैं इसमें नमक डालूंगी, सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। फिर इसमें मैं डालूंगी ये रोस्टेड बादाम और सीड्स। ये जो सीड्स है, ये पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और फ्लेक्स सीड्स हैं। सीड्स बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप स्किप कर दें, और जिन्हें स्टोन्स की प्रॉब्लम हो वो भी सीड्स को स्किप कर दें। फिर मैं इसमें ऐड करूंगी अपनी इमली और गुड़ की चटनी, ये बहुत टेस्टी होता है, इससे हमारे चाट में बिल्कुल खट्टा मीठा सा टेस्ट आएगा। फिर अब हमारे सारे इंग्रेडिएंट को आपस में मिक्स कर देंगे। बहुत इजी, बहुत सिंपल है ये स्प्राउट्स चाट बनाना, आप कभी भी बना सकते हो, बहुत क्विकली बन जाता है। आप चाहो तो सारे वेजिटेबल्स के जितने भी चॉपिंग्स है वो रात को करके रख लो, और सुबह सुबह इजीली, बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, बहुत क्विकली बन जाएगी और आप इसे बिल्कुल जस्ट झटपट बना लेंगे। मैं चॉपिंग्स करके रख लेती हूँ अगर मुझे कहीं बहुत जल्दी में निकलना हो तो, और फिर सुबह तुरंत बना लेती हूँ। मैं इसे सर्व कर दूँगी। आप इसे ब्रेकफास्ट में खा सकते हो, लंच में भी खा सकते हो, इवनिंग स्नैक्स में खा सकते हो। तो मैं इसमें अब दही मिक्स करूँगी, मुझे दही के साथ ये बहुत पसंद है। ये दही मिक्स करने के बाद मैं अभी इवनिंग स्नैक्स में इसे लूँगी, इसलिए मैंने क्वांटिटी कम रखी है। अगर आप लंच में खा रहे हो, ब्रेकफास्ट में खा रहे हो, तो एक बोल पूरा आप आराम से खा सकते हो, ये आपका पेट भी भरा रखेगा, बहुत हेल्दी है, टेस्टी है। इसमें आपको सारे टेस्ट मिलेंगे, खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, तो आपको कभी भी क्रेविंग नहीं होगी कि मैंने कुछ, मैं डाइट पे हूँ या मैंने कुछ खाया नहीं है, ये आपके सारे टेस्ट को फुलफ़िल करेगा।
मैं ऊपर से थोड़े मसाले डाल दूंगी, ब्लैक पेपर, नमक, इमली की चटनी, और फिर इसे इंजॉय करूंगी। बहुत टेस्टी, बहुत अमेजिंग सी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगा। थैंक यू, बाय बाय।